रेडिएशन सेफ्टी अभी कितना आराम है, हाउ मच रेडिएशन इज अलाउड, ये शायद वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें दो कैटेगरी आएंगे, एक क्लासिफाइड वर्कर और एक नॉन क्लासिफाइड वर्कर। क्लासिफाइड वर्कर यानी वो जो रेडियोग्राफी रेडियोग्राफर जो रेडियोग्राफी करता है, जो रेडिएशन में काम करता है, उसको हम लोग क्लासिफाइड वर्कर बोलते हैं, और जो नॉन क्लासिफाइड वर्कर है वो कॉमन पीपल। जैसे दूसरे डिपार्टमेंट वेल्डर फिटर या फिर ऑपरेशन टीम है। So for classified workers, आपका लिमिट है, डेली लिमिट है 5 MR पर आवर। मतलब आप अगर एक 8 घंटे का शिफ्ट में काम करते हैं तो आपको मिनिमम अलाउड रेडिएशन इज 5 MR पर आवर। दिस इज फॉर क्लासिफाइड वर्कर। हम लोग के लिए जो नॉन क्लासिफाइड है वो 0.5 MR पर आवर, करेक्ट। तो अभी आपको कॉर्डिंग ऑफ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कॉर्डिंग ऑफ डिस्टेंस यानी अभी जैसे आप यहाँ पे रेडियोग्राफी कर रहे हैं तो आपको एक सर्कल बनाना है ताकि यहाँ पे आपको 5 MR पर आवर रेडिएशन मिले, ठीक है। तो ये आपका सेम डिस्टेंस हो गया। सो वही सेम इसमें सपोज आपका सोर्स स्ट्रेंथ एक्टिविटी है 8 क्यूरीज, ठीक है। सो 8 क्यूरी के लिए आप कॉर्डनिंग ऑफ कितना कॉर्डनिंग ऑफ डिस्टेंस डिसाइड करोगे। सो I1 इसका I1 कैलकुलेट कर सकते हैं एट 1 मीटर है ना, तो 8 × 470, so 8 × 0 = 8 × 7 = 56, 5 × 8 = 32, 37, 3760 MR per hour at distance of 1 meter, okay। I2 आपने decide किया है 5 MR पर आवर है ना। सो D2 आपका कितना होगा, ओके। सो पुटिंग इन द फॉर्मूला I1 V1 square = I2 D2 square। हमको D2 फाइंड आउट करने का है। सो D2 square is equal to I1 × D1 square divided by I2. So I1 कितना है 3760 × 1 square divided by I2 5. So D2 square is equal to 5 × 7 = 35, 2 × 5 = 25, 5 × 2 = 10। ये D2 square है। D2 square is equal to 7, 5, 2। अभी वो square में नहीं चाहिए आपको answer, तो उसको D में convert करने का। So, D में कन्वर्ट करना है तो D2 = √752, ओके। अभी 752 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। सो D = 27.4 meters।
है ना, मतलब 27.42। सो आपको डिस्टेंस मिलता है 27.42 मीटर, मतलब जहां पे आप टेलीग्राफी करते हो वहां से 27.4 मीटर्स। तो पूरा अगर इसका डायमीटर निकालेंगे तो पूरा डायमीटर हो जाएगा 54 या फिर 55 मीटर्स का डायमीटर हो जाएगा। ओके तो मतलब आपको आपका सेंटर से 27 मीटर यानी कि टोटल 54 मीटर एरिया आपका आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ओके समझ गया। 100 मीटर तो गजिंग बात है। तो 100 मीटर क्यों? देखो ये मैं 5 mm के हिसाब से पकड़ा फॉर क्लासिफाइड वर्कर्स। ये अगर मुझे 0.5 mm चाहिए तो अभी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सी सब सेम रहेगा, आई वन सेम रहेगा 3760, डी वन इज 1 मीटर, आई टू 0.5 mm, सो डी टू क्वेश्चन मार्क, सो आई वन डी वन स्क्वायर इज इक्वल टू आई टू डी टू स्क्वायर, सो डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू आई वन इंटू डी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई टू। सो आई वन कितना है 3760 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.5, सो डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, करो 3760 डिवाइडेड बाय 0.5 1880। अब इसको रूट निकालिए, मतलब डी टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1880। सो डी टू इज 43.35 मीटर्स। अगर मेरे को 0.5 mm चाहिए तो वही 43 मीटर, तो 100 मीटर हो गया ना, 43 इधर 43 इधर, तो 100 मीटर कवर करना पड़ेगा। अभी इसमें अगर आपका प्लांट बड़ा है, बड़ी रिफाइनरी है, तो आप 100 मीटर का घेरा बना सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लांट छोटा है मेरा, जैसे ऑफशोर मैक्सिमम 50 मीटर का डेक होता है, अगर उधर मैं 100 मीटर का घेरा बनाऊंगा तो पब्लिक जाएगी इधर, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे।